दोस्तों आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर्स फंडा के यूट्यूब चैनल पर। अगर आप आईबीपीएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये न्यूज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आईबीपीएस आरआरबी का ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, लेकिन कुछ यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स कि क्या कैलेंडर पर क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा, वो चीजें मैं आपको यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि आईबीपीएस का जो कैलेंडर था वो आपका जनवरी 2020 में जारी हुआ था, और उस समय पर कोरोना वायरस तो था नहीं, तो उस हिसाब से इन्होंने कैलेंडर अपना प्योर क्लर्क के लिए निकाला था। लेकिन अभी जो आरआरबी का नोटिफिकेशन आया है, इससे इन्होंने क्लियर कर दिया है कि इस नोटिफिकेशन जो ये आपका कैलेंडर है इसमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। ओके, अब जैसे अगर आप आईबीपीएस आरआरबी का नोटिफिकेशन देखोगे तो इसमें इन्होंने मेंशन कर रखा है कि जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन है आईबीपीएस आरआरबी के लिए, ये हर एक के लिए, लाइक ऑफिस असिस्टेंट हो गया, स्केल वन, स्केल टू, स्केल थ्री समथिंग, तो इनके लिए आईबीपीएस कंडक्ट कराएगा टेंटेबली इन सितंबर एंड अक्टूबर नवंबर 2020। तो यहाँ पर इन्होंने डेट दे दी है कि मे बी हम सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, इसमें से कहीं पर भी एग्जामिनेशन हम कंडक्ट करा सकते हैं। अब अगर सितंबर में एग्जामिनेशन होगा तो आपको अगस्त में इंटीमेशन मिल जाएगा, अगर अक्टूबर में होगा तो उससे पहले आपको सितंबर में मिल जाएगा, कहीं ना कहीं पर लगभग एक महीने पहले आपको इंटीमेशन दे दिया जाएगा कि आपका सेंटर कहां पर होने वाला है। अब देखो दोस्तों इसका इफेक्ट क्या पड़ने वाला है। जब आप ऑफिशियल कैलेंडर को देखोगे आईबीपीएस के, तो इन्होंने आरआरबी के लिए लिख रखा था कि प्री एग्जामिनेशन हम अगस्त में कराएंगे, लेकिन अभी ये चीजें चेंज हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं पर जो अदर एग्जामिनेशन है, लाइक अक्टूबर में आपका आईबीपीएस पीओ का प्री होना था, ठीक है, लाइक 3 अक्टूबर, 4 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, तो देखो दोस्तों इनके ऊपर मे बी इफेक्ट पड़ सकता है और मे बी नहीं भी पड़ सकता। मैं आपको बताऊं कि आप इतना ज्यादा लीनियंट मत हो जाना कि मतलब यार अब तो ये भी लेट होगा, डिले होगा समथिंग। मैं आपको कहूंगा कि अपना टारगेट इन्हीं डेट को रखना, क्योंकि यहां पर इन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज है वो इन्होंने बता रखी है कि हम एग्जामिनेशन आपका सितंबर और अक्टूबर में करा लेंगे। तो मे बी ऐसा भी हो सकता है कि सितंबर में ये करा लें या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में ही करा लें, और उसके बाद ये फिर आपका एसबीआई ये आईबीपीएस का पीओ प्री भी करा लें, तो ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। लेकिन जैसा कि अगर आप कैलेंडर देखोगे तो देखो कैलेंडर में क्या लिखा है, इन्होंने बताया है कि आप 1 तारीख से लेकर 21 जुलाई के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं, और जो प्री ट्रेनिंग है वो इन्होंने अभी तो नोटिफिकेशन में लिख रखा है कि हम किसी तरीके की प्री ट्रेनिंग नहीं करा रहे हैं, और जो कॉल लेटर है इसके बारे में इन्होंने दोस्तों यहां पर मेंशन किया है कि ऑनलाइन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन जो है वो आपका सितंबर और अक्टूबर में इन्होंने यहाँ पर डेट मेंशन कर रखी है प्री की। तो देखो दोस्तों कुछ भी हो सकता है, आपका अक्टूबर में कैलेंडर के हिसाब से जो आईबीपीएस का पीओ एग्जाम है प्री का वो हो भी सकता है, और मे बी उसको आगे एक आध महीने शिफ्ट कर दिया जाए। लेकिन इतना 100% श्योर हो चुका है कि अगस्त में जो आपका आरआरबी का एग्जाम हो रहा था वो तो अब नहीं होने वाला। ओके, बाकी इन्होंने ये वाली चीजें यहां पर बता रखी हैं, तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप अपने आप को इन्हीं डेट के हिसाब से मैनेज करके रखें जैसा आपको नोटिफिकेशन में दिया गया है। आप अपने आप से कोई भी ऐसा जो मन में परसेप्शन ना लेकर आए, क्योंकि क्या होता है कि हम कुछ ज़्यादा सोच लेते हैं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। तो इन्होंने बताया ना कि हम प्री का एग्जामिनेशन आपका सितंबर और अक्टूबर 2020 में करा लेंगे, दैट मीन्स कि ये एक एक्सपेक्टेड डेडलाइन है। अगर ये आगे बढ़ेगी तो आईबीपीएस पीओ वगैरह भी आगे बढ़ेंगे। तो आज की डेट से ही अपनी तैयारी स्टार्ट रखो, और मैं आपके लिए बहुत सारे लेसन लाने वाला हूँ। एक आपको इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा कि आप क्वांट के लिए पीडीएफ के साथ में स्मार्ट कीड़ा की वेबसाइट पर जाओ और फ्री में सारा कंटेंट आप ये डाउनलोड कर सकते हैं, लाइक डेटा इंटरप्रिटेशन प्री लेवल का, क्वाड्रेटिक हो गया, प्रॉफिट लॉस अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। इनसे आपको बहुत मदद मिलेगी और मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा ही, और साथ में कुछ इनके टेस्ट जोन के फ्री इन्होंने मॉक ड्रिल निकाल रखे हैं, तो इन मॉक ड्रिल को मत छोड़ना। क्वांट हो, रीजनिंग हो, सब में सेक्शन आ रहे हैं, हर एक टॉपिक को ये कवर करने वाले हैं। ओके, तो थोड़ा सा मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि आप अपने हिसाब से चलें, लेकिन ये जो आरआरबी वाला सीन है ये आपका प्री तो अगस्त में नहीं होने वाला, इसके लिए डेट इन्होंने पहले ही बता रखी है। तो बहुत लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एग्जामिनेशन का डेट कहां पर है, कहां पर है, तो दोस्तों पेज नंबर 22 पर वो चीज लिखी है। आप नोटिफिकेशन में जाओगे, पेज नंबर 22 पर ये वाली चीज लिखी है कि कौन सी डेट में क्या क्या आपका प्रोसीजर है, ठीक है, तो ये आप यहाँ पर टेंटिव डेट देख सकते हैं। लेकिन इनमें चेंजेस होने की संभावना है, अगर कोरोना केसेस बढ़ते रहेंगे, ट्रांसपोर्टेशन मोड नहीं ओपन हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं पर ये डेट आपकी आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी सबसे बड़ी न्यूज़ ये है कि आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें बहुत लोग पैनिक हो रहे थे, तो मुझे लग रहा है कि ये काफ़ी ठीक सही डिसीजन है, और इससे लोग थोड़ा रोडमैप मिल जाएगा, तैयारी स्टार्ट कर देंगे। तो अब भैया राइट टाइम है, अपनी तैयारी स्टार्ट कर दो और बिल्कुल ढील मत दो, क्योंकि अगर आप ढील दोगे तो आप पीछे रह जाओगे। डेली बेसिस पर हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे, और मैं आपको बता दूं कि इस आरआरबी के लिए मैं हर एक पूरी सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें मैं आपको पहले तो गाइड करूंगा कि प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से, और फिर
हर एक वो चीज लाइक कि आपके एग्जामिनेशन के क्या क्या जरूरी है, तो आप उन चीजों को साथ में लेकर चलना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मेरे साथ कनेक्ट रहें, और भी आपको टेस्ट जोन पर टेस्ट मिल जाएंगे तो इनको भी फॉलो कर लें, और ऐसे फ्री कॉन्टेंट को मैं हमेशा प्रमोट करता हूँ और आपको बताता रहता हूँ, तो आप चैनल को विजिट करते रहो और अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे ना छूट पाए। सो थैंक यू गाइस, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे।